कसरावद जनपद की ग्राम खामखेड़ा दुर्गापुर रोड पर अतिक्रमण को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को कसरावद तहसील मुख्यालय पहुंच गया है। ग्रामीणों ने एसटीएम कार्यालय पहुंचकर किए गए अतिक्रमण को हटाने एवं अतिक्रामक द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ की गई शिकायत वापस करने की मांग की है। ग्रामीण दुर्गेश यादव, गजानंद यादव, संतोष यादव, लक्ष्मण आदि ने शिकायत में बताया है कि माताजी मंदिर की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पूर्व में प्रशासन ने हटवाकर भोजनशाला एवं पार्किंग के लिए आवंटित की थी। उक्त भूमि पर दोबारा ग्राम के भोलू नहारू भाईराम नामक व्यक्तियों ने दबंगई दिखाकर कब्जे में ले ली है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त अतिक्रामक दबंग होकर हमेशा विवाद करते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त मामले में प्रशासन हस्तक्षेप कर इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण का चिन्हांकन कर इन्हें बेदखल किया जाए। कसरावद से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पैथा जाखर की रिपोर्ट। ग्राम दुर्गापुर के हम निवासी हैं, करीब 80 जन आए हैं। इसका 2 साल पहले नहरू भोलू भाईराम पिता पूनमचंद खामखेड़ा की जो अतिक्रमण की केस चल रहा है उसको पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया है और ग्रामीणों को वापस उन्होंने उनकी जो अतिक्रमण की जमीन को पुनः घेर ली है और लोगों को परेशान कर रहे हैं और हमारे गांव के 5 ग्रामीणों के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन न्यायालय महोदय के वहाँ लगा दिए है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। पूर्व में भी आपने एसडीएम साहब को कसरावद ज्ञापन दिया था? कई बार दे चुके हैं हम, आंदोलन भी किया, धरना भी किया, पर वो रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। हम यहाँ से कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और इसके बाद में ऊपर वरिष्ठों के पास। इसका पूरा नाम क्या? जगदीश यादव, दुर्गापुर।